What's in my thali today? Let's see. फ्रेंड्स थैंक यू. आज मेरी थाली के साथ साथ आप लोगों ने जो थालियां भेजी हैं बहुत सी थालीज मैं इंक्लूड करने वाली हूँ, लेकिन प्लीज अभी थोड़ा सा, देखिए बुरा मत मानिए मानिएगा, थोड़ा सा पॉज कर लीजिए थालीज भेजने में, क्योंकि क्या होता है नहीं तो मैं सबकी शेयर नहीं कर पाऊंगी. मैं फिर से आप लोगों को मैसेज दे दूंगी कब आप दोबारा भेजना शुरू कर सकते हैं अपनी थालीज. तब तक मैं पहले वाली आप सबकी इंक्लूड करती हूँ. थैंक यू फॉर सेंडिंग मी योर थालीज. और हाँ, कल जो मेरा अंग्रेजी खाना देखा था शॉर्ट्स में, जो है वो जो बेल पेपर स्टफ्ड बनाए थे मैंने, बहुत यम्मी और टेस्टी थे, उसकी रेसिपी आज मैं अपलोड कर दूंगी, जरूर देखिएगा. थैंक यू रमा थाली भेजने के लिए. आपकी थाली में है पालक, मूंग दाल, आलू फ्राई, गोंगूरा पिकल, घी एंड वाइट राइस, यमी. ये गोंगूरा पिकल जो है ना, ये शायद मैंने पहले कभी नहीं खाया है. कुछ खास लग रहा है और थाली को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है. थैंक यू ऐश्वर्या फॉर सेंडिंग मी योर थाली. मूंग दाल खिचड़ी, गुजराती कढ़ी, अनियन रोस्टेड पापड़ एंड छाछ. वाओ, परफेक्ट समर लंच है ये तो. एंड ये जो प्याज आपने बिल्कुल साबुत रखा है ना, इसने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी, मैं भी ऐसे ही खाती थी. थैंक यू वैष्णवी. आपकी थाली में है पनीर पकौड़ा, आलू पनीर पकौड़ा, अनियन रायता, मिक्स वेज सब्जी, मसूर दाल तड़का और बहुत कुछ राइस. ये जो बनाना चिप्स मुझे दिख रहे हैं ना, देखिए बुरा मत मानिएगा, ये हिडन फैट होता है, इसलिए कभी कभी खाइए, डेली नहीं. थैंक यू चांदनी. आप दाल ढोकली खा रही हैं, अरे वाह, मुझे भी बड़ी पसंद है. और आपकी जो बीटरूट रोटी है ना, सैलेड लेमन, अमेजिंग लग रही है. मैंने अपने बेटे को भी दिखाई, सुना कई बार है लेकिन बनाई नहीं है. अब आज आपकी थाली के बाद जो है मैं ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ. बहुत अट्रैक्टिव लग रही है ये पिंक पिंक बीटरूट रोटी. थैंक यू अदिति. देखते हैं अदिति की थाली में क्या है. अरे वाह, ये घर का खाना है या बाहर से मंगाया है. कुछ तंदूरी कुलचे नान लग रहे हैं, छोले प्याज जो भी है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट लग रहा है. थैंक यू प्रियंका. पूरी आलू चना सब्जी, पाइनएप्पल रायता एंड चटनी. बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव थाली है. एक छोटी सी टिप, पाइनएप्पल जो है वो फ्रूट है, इसलिए हो सके तो उसे रायते में मत मिक्स कीजिए. वैसे बहुत कॉमन है रायता, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पाइनएप्पल हमें खाने के पहले खा लेना चाहिए. थैंक यू विष्णु प्रिया फॉर सेंडिंग मी योर थाली. वाओ, बहुत अट्रैक्टिव है. पुलाव है, आमरस है, पनीर है, रायता है, रोटी है, साथ में पापड़ फ्राइड है, जो कि कभी कभी खाने चाहिए. थैंक यू नेहा फॉर सेंडिंग मी योर थाली. अचार, दाल, राइस, तुरई की सब्जी, पापड़, चटनी, अनियंस. मुझे तो बोलते बोलते मुंह में इतना पानी आ रहा है ना. और पता है ये स्क्वायर जो प्लेट है ये मुझे बहुत पसंद है. बहुत परफेक्ट सिंपल सी और टेस्टी न्यूट्रिशियस थाली है. बहुत प्यारी लग रही है. हेल्दी ईटिंग टू यू. और अब है हर्षी की थाली. राजमा चावल, वो भी संजीव जी के स्टाइल से, उनकी रेसिपी देख के आपने बनाए हैं. थैंक यू फॉर ट्राइंग हिज रेसिपी. बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं वो, सच बताऊँ तो. राजमा चावल तो भाई ऐसी चीज़ है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है. हम लोगों को तो बिल्कुल कुछ नहीं. और इसका जो हाथ से खाने का मज़ा है ना, वो चम्मच से खाने में है ही नहीं. थैंक यू भव्या, आपने बड़ी ही स्वादिष्ट जो है थाली बनाई है, लेकिन आपकी कुल्फी नहीं दिखा पाई मैं. आई एम श्योर आपने वो भी बहुत टेस्टी बनाई होगी. रोटी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है. दाल और जो मिर्ची आपने सेकी है ना, आप बोल रहे हैं कुछ आपने सेक के बनाई है, वो बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है. और जो स्टील के ग्लास में छाछ है, अमेजिंग. तो आज मेरी थाली में एक बार फिर से पंजाबी खाना है. काली दाल है, जो कि हम लोग पंजाबी को बहुत पसंद है, फुल ऑफ प्रोटीन है. गोभी आलू का वैसे मौसम नहीं है, लेकिन क्या है कि काली दाल के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है. ये बना है और ये फाइबर है, बहुत हेल्दी है, तो मैं ज़रूर खाऊंगी. बहुत दिन से जो है वाइट राइस खा रही हूँ, वापस ब्राउन राइस पे आना पड़ेगा लता. ओके, साथ में चटनी जिसकी रेसिपी कल अपलोड होने वाली है, और साथ में प्याज और दही थाली में फिट ही नहीं हो रहा था. गुड़ डाल के, ऑर्गेनिक जागरी पाउडर डाल के, तो मेरा ये आज का कंप्लीट हेल्दी मील है. एंजॉय योर लंच.